प्रीवियसली वी सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। हमने क्या देखा, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, कैसे लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है एंड ऑल दैट। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल डिस्कस कि जो हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज हैं, ठीक है, जैसे मिरर्स में क्या होता था, रिफ्रैक्शन होता था, ऐसे ही अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लेंसेज में होता है रिफ्रैक्शन, मिरर में क्या होता था, रिफ्लेक्शन, इसमें लाइट आपकी बाउंस बैक करती थी, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें देखना है कि स्फेरिकल लेंसेज में किस तरीके से लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज करती है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई लेंस क्या है। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटीरियल बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसिस और वन स्फेरिकल और द अदर प्लेन सर्फेस। ये लेंस है क्या, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट। सबसे पहली बात क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि लाइट एक तरफ से एंटर करे और दूसरी तरफ से बाहर भी निकल जाए, क्योंकि अगर हमने एक साइड पेंट कर दिया जैसे कि हम मिरर में करते थे तो लाइट दूसरी तरफ जाएगी नहीं, तो और अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है तो उसे हम रिफ्रैक्शन बोल नहीं सकते, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिंग का मतलब है कि वो ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसकी जिसके अंदर लाइट की स्पीड एयर में लाइट की स्पीड या वैक्यूम में एयर की स्पीड से डिफरेंट हो, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेस। क्योंकि हम स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो दो स्फेरिकल सर्फेस होने चाहिए, एक देख रहे हो आप ये वाला है ऐसे ऐसे करके और एक ये दूसरी साइड वाला है ऐसी, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक स्फेरिकल हो दूसरा प्लेन हो, या फिर इस तरीके से हो सकता है। अ लेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट यूज इन माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, कैमरास, प्रोजेक्टर्स। ये हमारे पास जो चीज़ें हैं जैसे कैमरा, प्रोजेक्टर जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह जो हमारी बायोलॉजी लैब में वगैरह में होते हैं, और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो हम जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं, उन सब में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर लेंसेज लगे होते हैं जो हमें चीज़ों को दिखाते हैं। तो ये है यूज़ लेंस का। अब हमारे पास लेंसेज दो टाइप के हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, एक कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। देखो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। अगर हम मिरर्स की बात करते हैं तो मिरर्स के अंदर जो कॉन्वेक्स होता था वो हमारे पास क्या होता था, डाइवर्जिंग, और जो कॉन्केव होता था वो क्या होता था हमारे पास, कन्वर्जिंग। यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे जो आपका कॉन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग है और जो कॉन्केव है वो क्या है आपका, डाइवर्जिंग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज समटाइम्स इन न्यूमेरिकल आपको ना लेंस का नाम नहीं बताएगा कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, ऐसे बोलेगा कि डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग बोलेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कॉन्केव है, या फिर ऐसे कह सकता है कि कन्वर्जिंग लेंस, तो आपको समझ जाना है कि वो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स टाइप। अब कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारे पास क्या है, कितने टाइप के हैं वो हमें देखना है। तो ये आपके पास डायग्राम आपने देख लिया कि ये कॉन्वेक्स लेंस के टाइप हैं, जो पिछले स्लाइड पे हमारे पास डायग्राम है। अ लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैज बोथ द सर्फेसिस बल्जिंग आउट इन द मिडल। देखो जब आप कॉन्वेक्स लेंस की मिरर की बात करते थे तो उसमें भी क्या होता था कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज रहता था, बल्ज का मतलब है कि बाहर की तरफ निकला रहता था ऐसे। अब इसकी बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे भी इसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से हैं, ये वाला है और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है भाई। लाइट ऐसे जाएगी फिर ऐसे चेंज होगा, ऐसे जाएगी फिर ऐसे चेंज होगा, इस तरह का कुछ भी होगा, तो दोनों हमारे पास जो इसके सरफेस हैं जो रिफ्रैक्शन करेंगे वो बल्जिंग है, दोनों बाहर की तरफ निकले हुए हैं। जैसे कि हम अपनी दोनों हथेलियों को मिलाएं और उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला दें, निकाल दें, तो उस तरह का सिस्टम है ये कुछ, ठीक है। और उसमें आपने देख लिया कि एक साइड इसकी हम ऐसे प्लेन भी बना सकते हैं कि एक ऐसे कॉनकेव है और दूसरा प्लेन साइड है ऐसे करके, और एक वो मेनिस्कस ऐसे करके भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉनकेव, और कॉनकेव याद रखना यहाँ पे कौन सा है, ये जहां भी कॉनकेव लेंस आएगा मतलब वो आपका डाइवर्जिंग लेंस है। अ लेंस विच इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड अ कॉनकेव।
lens. The most common form of concave lens has both the surfaces depressed. ये देखो दोनों तरफ से दबा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी, तो ये होगी दोनों साइड इसकी डिप्रेसिव, दोनों दबी हुई साइड है. या फिर ऐसा हो सकता है भाई, एक साइड आपकी ऐसे हो जैसे कि कॉनकेव मिरर होता था, है ना, और दूसरी साइड आपकी प्लेन हो. या फिर ऐसे हो सकता है कि इसकी दोनों ही साइड ऐसे थोड़ी डिप्रेस हो रखी हो, इनर भी और आउटर साइड भी. तो ये हो गया हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस की टाइप. अब बात ये है कि रियल लाइफ में जब आपको लेबोरेटरी में या ऐसे लेंस दिया जाएगा, वो इस तरीके से नहीं होगा. ये तो पेपर पे बनाया आपने ऐसे. तो अगर आपके पास इस तरीके से होगा लेंस, ऐसे अगर आपके पास लेंस ऐसा है कि जो इसकी ये पेरिफेरी है, ये आपके पास क्या है, थिक है, ये वाला पार्ट इसका थिक है, थोड़ा मोटा रहेगा. और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ अप्रोच करते हो तो फिर ये थिन होता जाता है. जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि इधर क्या है, थिक है, और यहाँ पे सेंटर में ये थिन हो रहा है ऐसे करके. ये भी ऐसे ही होगा कि ये वाली साइड पे थिक और अंदर जाता रहेगा तो थिन. और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स भी देखने में ऐसा ही लगेगा, बट आपको उसको टच करके देखना पड़ेगा कि यहाँ बीच में इधर थिक और इधर थिन, ये वाला पोर्शन क्या होगा उसका, थिक, और ये साइड वाला, ये पोर्शन आपका थिन रहेगा. ये तो टच करके आप बता सकते हो इनको. और देखो आपने ये देखा ना कि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स कैसा लेंस है, मैंने यहाँ पे लिखा था अभी, कॉन्वेक्स जो आपका वो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है. तो इसलिए कभी भी एक गलती मत करना कि जहाँ से लाइट आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस को कभी भी अपनी आँख के सामने मत रखना. नहीं तो क्या होगा कि सन से या किसी दूसरी बहुत हॉट बॉडी से जो रेडिएशंस आ रहे होंगे, जो लाइट रेज आ रही होंगी, वो कन्वर्ज होकर आपकी आई की रेटिना को डैमेज कर सकते हैं. सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस.